कोरोना महामारी कारण जिथे हर एक वर्ग के लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है उत्थे ही देश विच बने आस्था के केंद्र और मंदिरों विच भी लोगों के आने की गिनती भी घटी है। इस तरह का माहौल देखने को मिला जलंधर के बाबा श्री सिद्ध सोडल मंदिर का जिथे कोरोना महामारी के चलदिया इस शुभ दिहाड़े मौके संगतां की आमद घट देखने मिली। इस पावन और शुभ दिवस मौके जिथे लोगों ने मंदिर विच देवी जी के दर्शन करके आशीर्वाद लिया उत्थे ही संगतां ने पुलिस वल्लों कीते प्रबंधों की शलाघा की। कोरोना के करके जी पब्लिक घट आई है इतने नहीं तो बहुत बुरा हाल होंगे। इतने तो रात दिन चार पाँच दिन मेला चलता और बड़े रश के चलता और दुनिया को खड़े होने जगह नहीं होंगी। महामारी करके बिल्कुल ऐसी शांत रहे सब कुछ लोग अपने घर रहे हैं और ये बहुत जो पुलिस का अरेजमेंट भी बड़ा अच्छा रहा भी उन्होंने रश नहीं पहन दिता है ना। और बाकी इतों जो कोई मंगता उन्होंने सब कुछ मिलता है। मंगिया मुरादा लोग पाते अपन शरदा लैके आते अपन सारिया जड़ी मनोकामना पूरी करके जाते हैं जो सुखना होंगे सुख के लैके जाते लोग। और बहुत ज़्यादा मतलब एक पंजाब का इतिहासिक स्थान है जिन्हों के दुनिया मानती है। प्रशासन के बहुत अच्छे इंतजाम से उन्होंने बड़े डिसिपलिन के नाल बड़े तरीके दे नाल सारा इन्हों डील किया बड़े तरीके दे नाल पब्लिक नू सांभिया और बड़े तरीके दे नाल चलाया। बाबे जी मैं सुरेश चड्ढा कैशियर श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट सोडल मंदिर तो बोल रहा हाँ। सबसे पहले मैं अपने देश वासियों शहर वासियों पंजाब वासियों इस पावन अवसर से लख लख बधाई दिना। सिद्ध बाबा सोडल का मेला जो हजारों की लखों की गिनती जो आते थे COVID-19 की वजह से इस बार मेला जो है प्रशासन ने इतनी इजाजत नहीं दी थी क्योंकि COVID-19 की वजह से जे कुछ पाबंदियाँ जो गाइडलाइन दी हुई थी उस गाइडलाइन के मुताबिक प्रशासन ने भी हमें पूरा सहयोग दिया और हमने भी पूरा प्रशासन को सहयोग दिया। जो सैनिटाइजेशन वगैरह जो भी मंदिर की साफ सफाई थी सारी पूरी तरह ख्याल रखी। ज़्यादा ज़्यादा संगत जो आई है जो हमारे जहाँ खेतरी बीजते हैं आठ दिन पहले खेतरी और बाबा जी को टोपा अर्पण करते हैं मठियों का ज़्यादा संगत वही आई आम जनता कम आई है। इसलिए जो प्रशासन ने जो इंतज़ाम किए थे बहुत बढ़िया किए थे और ट्रस्ट की तरफ से भी इंतज़ाम बहुत अच्छे थे। उनकी गाइडलाइन मुताबिक सारे इंतज़ाम अच्छे चले। जय बाबा जी। इस मौके मंदिर के पुजारी नाल शुभ दिवस मौके गल की तो उन्होंने भी संगतां दी घटी गिणती नूं कोरोना महामारी का कारण दस्या अते इस मौके मीडिया राही संगतां नूं बाबा सोडल मंदिर जी की इतिहासिक कथा भी सुनाई। बाबा जी का इतिहास बहुत शक्तिशाली इतिहास है। बहुत ही जितना इनका गुण गाया जाए उतना ही कम है। बहुत महानता है। पहले ये जंगल एरिया था और जंगल एरिया में महंत जी रहते थे। महंत जी के दर पे जो भी आता वो खोल के ही दान करते। जो इच्छा होती थी वो पूरा हो जाता था। तो चड्ढे परिवार में संतान की प्राप्ति नहीं थी। वो देवी आके बाबा जी की सेवा करने लगी। करते करते एक साल हुआ बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए और बाबा जी प्रसन्न होने के से वो बोले बेटी बोल आज तेरे से प्रसन्न हूँ क्या मांगती है। बाबा जी हमको सब कुछ तो मिला है पर संतान की प्राप्ति नहीं है संतान की प्राप्ति चाहिए। उन्होंने ध्यान लगा कर देखा तो उसके भाग्य में संतान की प्राप्ति थी ही नहीं। तो भगवान विष्णु से आराधना की। भगवान विष्णु ने शेषनाग को आज्ञा दिया। शेषनाग ने आकर अवतार लिया। छोटे से उम्र में ही उनका चमत्कार बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते लोग काफ़ी लोग उनको पहचान बनने लगी। एक दिन हुआ कि माता तालाब में कपड़ा धुलने आई और बच्चा भी पीछे पीछे चला आया और उनसे कहने लगा कि माँ हमको मट्ठी दो खाने के लिए। माँ बोली कि यहाँ तो हमारे पास है नहीं चल घर पे दूंगी। तब जाके उन्होंने गुस्सा किया। बच्चे ने जाकर छलांग लगा दिया। माँ ने देखी तो भी छलांग ली नहीं मिला। गांव के लोग भी तालाब में ढूंढे नहीं मिला। तो माँ ने सोचा अब हमारा बेटा नहीं रहा तो हम किस लिए जिक्र करूँगा। उन्होंने भी सोचा कि हम भी अपना प्राण त्याग देंगे। तो फिर जैसे ही अपना
त्यागने के लिए आगे पैर बढ़ाए और इसे ही शेषनाग के रूप में उन्होंने दर्शन दिया कि मैं शेषनाग का रूप हूँ, हमारा स्थान बताओ, जाओ तुम्हारा वंश आगे बढ़ाऊँगा, हमारा स्थान बनाओ और जो भी हमारे स्थान पर आएगा सच्चे दिल से उनकी हर इच्छाएँ पूरी करूँगा। लोक की आस्था जुड़ती गई और आज मेले में कई लाख लोग आते हैं, अपनी इच्छा पूरी करते हैं और साल के अंदर ही सब इच्छाएं पूरी होती है, अपना सुखना उतारते भी। बोले सांची दरबार की जय। प्राइम मोदी जलंधर तो मनोज कुमार हीरा की रिपोर्ट।